स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ। अभी हम आ चुके हैं श्री राम मंदिर सिकंदरपुर, जो कि बजहा में है। आइए आपको एक वर्चुअल टूर कराते हैं। काफी पुराना मंदिर है यहाँ का। बगल में गार्डन वगैरह भी है। इधर श्री राम जानकी मंदिर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन राम नाम से बनी है जोगन, राम नाम की कहाय। जिसे प्रीत लगे बस राम से, उसकी लाज रखे एक नाम। राम सिया राम जय जय राम। दर्शन कर लीजिए, आपको हम दिखाते हैं। हमारे साथ रजनीश भाई हैं, कुछ बातें करते हैं पंडित जी से। तो बाबा जी ये बताइए, मंदिर कितने साल पुरानी है? 1976 में बनी हुई है। जन्माष्टमी में काफी यहाँ भीड़ रहती है। के दर्शन के बाद आप यहाँ गैलरी वगैरह भी देख सकते हैं। साथ में बगल में ही गार्डन है, और यहाँ का गार्डन काफी फेमस वगैरह भी है, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। दोनों तरफ मंदिर के चारों तरफ से ये गलियारा टाइप का है। इधर आप जैसे फेरा वगैरह लगाया जाता है, वही है ये। और बगल में आप देख सकते हैं गार्डन वगैरह बढ़िया बना हुआ है। हम लोग प्रसाद खा के मंदिर से निकल चुके हैं। आइए आपको गार्डन की तरफ दिखाते हैं कुछ। यहीं पर सब लोग बैठ के फोटो वगैरह खींचा करते हैं, मगर आज नहीं है, क्योंकि आज मार्केट भी है बाहर की, जैसे कि बाजार वगैरह, तो लोग आज यहाँ कम हैं। सभी लोग मार्केट वगैरह कर रहे हैं, तो आज सन्नाटा है इधर। पेड़ ओड़ तो बहुत ही खूबसूरत लगा हुआ है, देखो पूरे एकदम शेप पे बना हुआ है। ये देखो गाइज, ये वाला पेड़ बहुत ही फेमस था, मैं जब बचपन में आया करता था तो भी ये था। बाकी आप लोगों ने मंदिर के दर्शन तो कर ही लिया है। अगर आपको यहाँ पे भीड़ देखनी है और सजावट वगैरह देखनी है, तो आप जन्माष्टमी वाले दिन आइए, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सजावट वगैरह होती है। जन्माष्टमी के दिन काफ़ी भीड़ भी होता है, बाहर मेला भी लगता है। जब भी आइए जन्माष्टमी के दिन ही आइए, काफ़ी भीड़ होती है। इस साइड का गार्डन देखिए, बहुत ही बढ़िया, एकदम केयरफुली सारा काम किया जा रहा है, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए। एकदम आपको कोई भी चीज़ फैला हुआ नहीं मिलेगा। पेड़ वगैरह की सेवा एकदम बढ़िया से होती है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे साफ़ सफाई देखिए, एकदम सफाई से सभी कुछ है, आपको एक कचड़ा भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ से मैं आपको मंदिर की एक झलक दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये देखिए, अभी मुझे यहाँ एक बहुत अमेजिंग पेड़ दिखा है, जो कि हम लोग बचपन में बहुत अपने पास रखते थे। ये देखिए, अपने तरफ बहुत कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पर लगा हुआ है विद्या का पेड़। पढ़ाई करो या ना करो, मगर इसको अगर कॉपी पे रखते हो तो आपको विद्या ज़रूर मिलेगी, ऐसा कहते थे। यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है, एक पेड़ नहीं और कई पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, कभी भी आइएगा तो देखिएगा। और काफ़ी बढ़िया पेड़ भी है, मैं बचपन में खुद इसे कॉपी के बीच में रखा करता था। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन इस पेड़ को अपने कॉपी के बीच में रखा है।
का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और नए नए ब्लॉगों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, और कहाँ का ब्लॉग बनाएं उसके लिए भी कमेंट में बताइए कि भैया यहाँ का हमें चाहिए। थैंक यू। ब्लॉग बनाते बनाते हम लोगों को भूख लग गई थी, तो हम लोग केमिकल भी यहाँ खा रहे हैं, और ये एकदम सच बात है कि एक फुल से ज़्यादा दो हाफ में मिलता है ना भाई। और ये देखो, ये भाई साहब हमारे पूरा हाफ खाने के बाद हमारे में हिस्सा लगा रहे हैं।